हेमस्टर को लेकर के मैंने पहले भी आपको इसका व्हाइट पेपर प्रोवाइड किया था। जो इनका व्हाइट पेपर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था वो बी पॉइंट यहाँ पे था, यानी बी पॉइंट वन था, अभी बी पॉइंट आप टू मान सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे जो कमिंग सून दिख रहा था वो यहाँ पे आ चुका है। तो इस वाले व्हाइट पेपर में पूरा व्हाइट पेपर अगर आप रीड करेंगे तो यहाँ पर जो पोर्शंस दिए गए हैं उनमें तीन पैराग्राफ ही ऐसे हैं जिनमें आपको डिटेल हम लोगों के रिगार्डिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी और हम लोगों के फ़ायदे की यहाँ पर डिटेल है। उसके बाद में अगर हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये जो आपका यहाँ पे जुलाई वाला सेटअप किया गया था पूरा का पूरा, आप देखेंगे ये वाला पोर्शंस, इसको फिर से यहाँ पे चेंज कर दिया गया है और अब यहाँ पे कुछ न्यू अपडेट्स ऐड किए गए हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं टॉपिक पे और समझते हैं कि किस तरीके से आपको ईयरड्रॉप प्रोवाइड किया जाएगा और न्यू वाले व्हाइट पेपर में क्या क्या यहाँ पे ऐड किया गया है आप सभी के लिए। आप इनके व्हाइट पेपर पर आएंगे, आने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाइट पेपर 0.2 यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें ब्रीफ इन्फॉर्मेशंस दी गई है। अब ब्रीफ इन्फॉर्मेशंस की बात करें तो ये कोई खास इन्फॉर्मेशंस नहीं है, ओनली इनके यूट्यूब के बारे में, टेलीग्राम के बारे में और जो भी इन्होंने अचीव किया है 2 महीने में या उससे ज़्यादा समय में वो यहाँ पर डिटेल वगैरह प्रोवाइड की गई है। तो इसको हम यहाँ पर स्किप करेंगे और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर सीधे जो हम लोगों के रिगार्डिंग यहाँ पर ईयरड्रॉप का अपडेट दिया गया है उसको सीधे से यहाँ पर हम कवर करेंगे। यहाँ पर कम्युनिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग कितनी कम्युनिटी इनको अचीव करना है वो भी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। करंट की अगर बात करें तो यहाँ पे लगभग 300 मिलियन कम्युनिटी हो चुकी है। ये यहाँ पे आप देखेंगे आप सभी के लिए जो डिटेल मेन प्रोवाइड की गई है वो यहाँ पे है, हेमस्टर टोकन एंड फाउंडेशन। अब हेमस्टर टोकन एंड फाउंडेशन में क्या डिटेल है वो सबसे पहले आप देखिए, इसमें कुछ की पॉइंट प्रोवाइड किए गए हैं। पॉइंट की बात करें तो लगभग यहाँ पे 5 पॉइंट प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन हम लोगों की रिगार्डिंग यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट में डिटेल नहीं है। सीधे सीधे अगर आप यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया द हेमस्टर फाउंडेशन इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट एक्ट इन द कम्युनिटी। तो यहाँ पे कहा गया कि हमारा जो यहाँ पे ये संगठन है ये कोई भी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, इसमें नॉन प्रॉफिट फाउंडेशंस है, यानी आप देखेंगे बहुत सारे प्रॉफिटेबल फाउंडेशंस होते हैं वो अपना यहाँ पे अर्निंग करते हैं, तो इनके द्वारा कहा गया कि हम अपनी अर्निंग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट आप यहाँ पे देखिए, द मिशन ऑफ द हेमस्टर फाउंडेशन इज टू ऑन बोर्ड द नेक्स्ट बिलियंस पीपल इनटू वेब 3 एंड डेवलप एंड हेमस्टर टोकन एंड इकोसिस्टम अराउंड इट। तो इस वाले पॉइंट में यहाँ पे कहा गया है कि लाखों लोगों को हम यहाँ पे शामिल करना चाहते हैं वेब 3 में, साथ ही साथ अपना टोकन जो है उसको हम यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं किसके थ्रू, हेमस्टर फाउंडेशन के थ्रू, और लॉन्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शंस दिया गया है इसमें डिटेल प्रोवाइड की गई है, वी आर कंसीडरिंग डिलीवरिंग मल्टीपल टोकन यूटिलिटी थ्रॉट वाई हेमस्टर फेम गेम्स। तो कहीं ना कहीं ये अपने टोकन्स को यहाँ पे गेम में यूज़ करना चाहते हैं और इसी के लिए ये जल्द से जल्द यहाँ पे लॉन्च करने के कगार पे खड़े हैं। यहाँ पे पूरी अगर आप ये रीड वगैरह करेंगे तो इसमें यही डिटेल यहाँ पे ऐड की गई है। अब हम लोगों को कितना ईयरड्रॉप प्रोवाइड किया जाएगा इसका अपडेट इस वाले यहाँ पे टोकनोमिक्स में प्रोवाइड किया गया है। अगर आपने रीड नहीं किया है तो आप रीड कर लेना, मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। मस्ट आप सभी हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि टेलीग्राम पे लेटेस्ट अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। द की फैक्ट अबाउट टोकनोमिक्स, यहाँ पे कहा गया हेमस्टर ईयरड्रॉप विल बी लार्जेस्ट ईयरड्रॉप इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो। हेमस्टर का जो ईयरड्रॉप है वो हिस्ट्री में अभी तक कोई भी ईयरड्रॉप इतना बड़ा नहीं हुआ है जितना हेमस्टर का यहाँ पे ईयरड्रॉप प्रोवाइड किया जाएगा आप सभी को। तो क्या नोट कॉइन से बड़ा होगा, ये आप सभी को जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा पॉइंट है 60% ऑफ द ईयरड्रॉप वॉल्यूम विल बी डेडिकेटेड टू द प्लेयर। अब कहा गया है कि लगभग 60% हम जो ईयरड्रॉप है वो यहाँ पे किसको, आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। 60% सप्लाई का यहाँ पे मेरे हिसाब से आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे कुछ और की पॉइंट ऐड किए गए हैं, यहाँ पे कहा गया है आप देखेंगे द रेस्ट इज द रिजर्व और प्रोवाइडिंग मार्केटिंग लिक्विडिटी इकोसिस्टम पार्टनरशिप एंड गेम रिवार्डिंग फॉर स्क्वाड्स एंड अदर आइटम्स। अब कहा गया है इसमें हम काफ़ी सारे आइटम्स सम्मिलित कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे पार्टनरशिप ग्रांट स्क्वाड अदर। उसके बाद तीसरा पॉइंट है यहाँ पे है द गेम डेवलपमेंट विल गो ऑन द सीजन 2, यानी यहाँ पे सीजन 2 भी लाया जाएगा। सीजन 2 का अपडेट मैंने ऑलरेडी आपको पहले वीडियो जो प्रोवाइड किया था उसमें बताया था कि एयरड्रॉप यहाँ पे 2 आना है और ये एयरड्रॉप जो 2 आएगा ये लगभग 2 ईयर के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, यानी अभी आपको एयरड्रॉप प्रोवाइड किया जाएगा, फिर 2 साल के अंदर एक और एयरड्रॉप प्रोवाइड किया जाएगा। ये एयरड्रॉप जो होगा ये भी हेमस्टर का ही होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इनके द्वारा जो यहाँ पे टेलीग्राम यूट्यूब और ट्विटर की कम्युनिटी बनाई गई है उस पर व्यूज़ वगैरह लाने के लिए, कमाई करने के लिए कहीं ना कहीं, तो आप सभी को अपने पास रखा जाएगा ना, तो इसलिए ये सेकेंड एयरड्रॉप यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। अब इसी 3 पॉइंट में आप देखेंगे एक और डिटेल यहाँ पर ऐड की गई है, द प्रोजेक्ट प्लान टू लॉन्च अपडेट
एंड करेंट प्लेइंग प्लेयर्स एंड इन बल्ब न्यू वंस, यानी न्यू प्लेयर्स को यहाँ पे ऐड करने के लिए भी हम कुछ यहाँ पे न्यू अपडेट्स लॉन्च कर रहे हैं गेम में। पांचवा पॉइंट यहाँ पे महत्वपूर्ण है, ये वाला आप देखेंगे, इसमें कहा गया है सिंस वी हैव नेदर इन्वेस्टमेंट फर्म नो वीसीज बैकिंग, तो कहा गया है कि हमारे पास कोई भी यहाँ पे वीसी नहीं है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट फर्म नहीं है जो हमारे यहाँ पे टोकन को बाई वगैरह करेगी, सीधा सीधा मार्केट में टोकन होगा वहीं से यहाँ पे बाई वगैरह होगा, कोई भी हमारे पास बीसी वगैरह नहीं होगा, जैसा आपको एवाइब में यहाँ पे देखने को मिला था, कोई भी यहाँ पे क्या नहीं था, बीसी नहीं था, इन्वेस्टमेंट नहीं था, सीधा मार्केट में आया टोकन और आप सभी ने जो भी यहाँ पे प्रॉफिट कमाया उससे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था। इससे अभी देखना होगा कितना प्रॉफिट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और इसी पांचवें पॉइंट में यहाँ पे और डिटेल ऐड की गई है, सो वी आर वर्किंग ऑन बिल्डिंग ए टोकन सच एज वैल्यू दैट इन्वेस्टर्स विल बी हैप्पी टू ऑन वंस आफ्टर यू। अब यहाँ पे अभी भी कहा गया है कि हम टोकन क्रिएट ही कर रहे हैं, तो कब तक इनका टोकन क्रिएट होगा वो अभी तक यहाँ पे अपडेट प्रोवाइड नहीं किया गया है, ना ही रोड मैप यहाँ पे दिया गया है। अब आप सभी सोच रहे होंगे रोड मैप क्यों नहीं दिया गया है, इनकी वेबसाइट पे तो ऑलरेडी शो कर रहा है, शो तो कर रहा है, लेकिन ये आप देखेंगे जुलाई यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और ये यहाँ पे एक तरीके से रिजेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे जो आपको एयरड्रॉप मिलना था वो यहाँ पे अपकमिंग में आ चुका है, यानी यहाँ पे अगस्त नहीं लिखा है, अपकमिंग लिख दिया है, तो कब तक लॉन्च होगा अब यहाँ पे कोई भी डेट नहीं है, पहले यहाँ पे जुलाई लिखा गया था एयरड्रॉप और टीजीई का, अब यहाँ पे अपकमिंग है ये आप देख सकते हैं, इसमें पहले लिखा गया है असीमेंट और यहाँ पे टैग लार्जेस्ट एयरड्रॉप, फिर एयरड्रॉप टास्क, फिर यहाँ पे गेमिंग लॉन्च वगैरह, फिर यहाँ पे टीजीई एयरड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन, यानी यहाँ पे आकर के आपका एयरड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बीच में एक दो तीन चार यहाँ पे और भी अभी टास्क वगैरह हैं उनको कंप्लीट करना है, उसके बाद यहाँ पे एयरड्रॉप आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी और मेरे हिसाब से समय लगेगा, हो सकता है कि अगस्त यहाँ पे पूरा इसी में खपत हो जाए, ठीक है। तो आप सभी जो यहाँ पे इसमें ज़्यादा समय दे रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप इसमें समय ना दें, दें समय, सीमित समय दें, बहुत सारे इससे अच्छे प्रोजेक्ट हैं उनमें समय दें, बहुत सारे अभी आपको ये जो व्हाइट पेपर आया है इसी पे एक दो महीने तक यहाँ पे घुमाते रहेंगे, खास यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया, मैंने की पॉइंट यहाँ पे मेन जो थे वही कवर किए हैं। तो फिलहाल इसके रिगार्डिंग कोई भी राय प्रतिक्रिया आपकी है कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए, टेलीग्राम मस्ट आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट आप मिस कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।